रानी गायत्री हमसे मिलने आई थी। ये झूठ कह रहा है। इसने मुझे गुमनाम संदेशा भेजा कि हम दोनों के बीच में दरार लाने की कोशिश कर रहा। बोलो अवधेश। ये सच कह रही है। जब ये हमसे मिलने आ रही थी तो इनको पता नहीं था कि इनसे कौन मिलने वाला है। इन्हें पता नहीं था कि जो इन्हें समस्याओं का हल देने वाला है वो वही है जिसने इन्हें समस्याएं दी थी। हमने इन्हें एक हल दिया कि हम आपको आपका सब कुछ लौटा देंगे इंद्रवदन। बस ये हमारी रानी बन जाए। हम राजा भले ही नहीं रहे पर अपने नाम के बाद सिंह लगाना बंद नहीं किया हमने। आज तू इस सिंह की धाड़ सुनेगा। गायत्री आप सही कह रही थी। हम कभी राणा जी जैसे नहीं बन सकते। वो एक वीर हैं और हम पीठ पर वार करने वाले एक कायर। उन्होंने आपसे प्रेम किया, आपको खुशियां दी। हमने आपसे प्रेम किया, आपको दुखी दुख दिए हैं। उन्होंने हमारा इतना आदर सत्कार किया, हमें इस महल में जगह दी। हमने क्या किया? विश्वासघात। आपने सही कहा था कि हमसे तो पशु अच्छे। क्या हुआ महाराज? आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि ये ऐसा खिलाड़ी है वैसा खिलाड़ी है। ये तो कधा निकला। राणा जी राजा बन गए और हम जहाँ थे ना वहीं रह गए। किला फतेह भी किया और उसे लौटाकर चल दिया। हमें क्या मिला? ये अवधेश की कहानी का अंत नहीं है कोकिले। मतलब ये के शुरुआत है। आप देखना, ये राणा जी पर दोबारा चोट जरूर करेगा। सरताज, ये मत भूलो कि तुम आमिर कोट की राजमाता से बात कर रहे हो। जहां तुम खड़े हो वहां की जमीन हमारी है, आसमान भी हमारा है और यहाँ की हवा भी हमारी है। बात की बात राजमाता, हवा का क्या है? कहीं भी रुख बदल सकती है। मेरे पास तेरी धमकी सुनने का वक्त नहीं है। फिर चाहे तू जो भी हो, क्या फर्क पड़ता है? सरताज की नजर में राजा और रंक सब एक समान है। पहले हर हफ्ते तेरी यशोदा अपनी गोद में नोटों के नंदलाल खिलाते हुए आ जाती थी, अब तो वो भी नहीं आई। यशोदा मर गई। अवधेश, क्यों अपने आप को इतना दर्द दे रहा तू? इस वक्त तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। मैंने राणा जी के साथ सात फेरे लिए हैं, जो तुम तो क्या भगवान खुद भी नहीं तोड़ सकते। ये सब किस लिए? उस औरत के लिए? अरे तुम कह के तो देखो,
उस औरत को उठाकर तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। वो तुम्हारी होने वाली रानी साहिबा हैं। उनका नाम सम्मान से लीजिए। इसका मतलब तुम अब भी उससे? हाँ, गायत्री से प्रेम करते हैं। हमारे हृदय पर उनका नाम लिखा है। बात की बात राजमाता, अब ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। सर कट जाता है तो लहू बोलता है। अगर मैं मर भी गया ना, तब भी ये राज राज नहीं रहेगा। और सोच, अगर ये सच राणा जी को पता चल गया तो उन्हें और ये अमेरकोट को संभालने वाला कोई नहीं बचेगा।